there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलामुअलैकुम वीर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। जी तो आज आपके साथ कप्तान की कटिंग शेयर करेंगे, जो बहुत ही एक प्यारे व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई प्लीज़ इसकी कटिंग भी बता दें। स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी हुई है इसकी, तो स्पेशली ये अपने व्यूअर्स के लिए, उनको कटिंग करके बतानी थी इस कफ्तान की कि कफ्तान की भाई कटिंग कैसे होती है। सबसे फर्स्ट आपने डबल फैब्रिक बिछा लेना है, जिसकी चौड़ाई कम से कम 41 to 42 इंचेस होनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर किसी टाइम ज़ाया किए। सबसे फर्स्ट आपने इसकी लेंथ लेनी है, लेंथ कितनी रखनी है ये बिल्कुल यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि शोल्डर यहीं से है और ये दामन का मैंने मार्क किया जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी। अभी इसके शोल्डर का प्रॉपर मार्क करेंगे। ये इसके गले का मार्क करूँगा कितना लूज़ रखना है मुझे ऊपर से गला, और 1 से 1.5 इंच आपने शोल्डर ड्रॉप करना है। ऐसे ही आस्तीन की मोरी का आपने निशान लगा लेना है, क्योंकि ड्रॉप शोल्डर है, आस्तीन वगैरह इसी में है। और जितना आपको चौक चाहिए आप नीचे से उतना ही मार्क कर लें, कितने इंच का चौक चाहिए उतना मार्क कर लें, बस सिंपली सा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके अंदर फैब्रिक नॉर्मल ही लेना है, तकरीबन 1.5 इंच, कोई ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना, ना ही सिलाई में कोई शेप है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कोई इसमें शेप वगैरह नहीं होती, सिर्फ प्लेट्स डलते हैं और इसमें ऑटोमेटिक शेप आ जाती है। एक्स्ट्रा कपड़ा इसका कट कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, कफ्तान की कटिंग हो चुकी है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इससे रिलेटेड हर अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। ये इसके मैंने मोड़े का मार्क किया था, और ये मैं इसके चौक खोलूँगा जो चौक का मार्क किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।